भी नहीं बचा था, एक भी नहीं बचा था। खूब नौकरियां लगाई। इनने क्या किया भाई, विमानी का काक पीट रहे हैं भाई, हमने पारदत्ता से नौकरी लगा दी ग्रुप डी में। ग्रुप डी में कौन लगाए, जो हमारे बच्चे एम ए बी ए बी एड एम बी ए वो क्या लगाए, चपरासी लगा दी या कुक लगा दिए। तो एक बात बताओ, फिर हमारा बुजुर्ग क्यों पढ़ाएगा अपने बच्चों को, उन्हें चपरासी या कुक ही लगना है तो एम ए क्यों कराएगा। इससे दोहरा नुकसान हुआ, इसकी चाल है सरकार की। एक तो जो गरीब आदमी जिसके या जो बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाता, दसवीं से बारहवीं से आगे नहीं पढ़ सकता था, वो जो इस पद के लिए काबिल था चपरासी के लिए, वो वंचित हो गया। और जो लगा दिए वो अपमानित हो गए, वो छोड़े आधे से ज्यादा। आज सरकार क्यों नहीं बताती कितने आदमी छोड़ गए, तो क्या लाभ हुआ उसका। इसमें अपने आप काख पीटने वाली क्या बात है भाई, इतना भारी नुकसान किया उन्होंने। और नहीं तो कौन सा पेपर है जो लीक नहीं हुआ। ये हरियाणा की पहली प्रदेश है जहां का एसएस बोर्ड का कमीशन का चेयरमैन जो है सस्पेंड हुआ हो और उनके कर्मचारी आज भी जेल में पड़े हो। आज भी खबर है कि जो पेपर लीक करते थे उसके पास 1 करोड़ पुराने नोट पकड़े गए और ये पकड़ा गया। पढ़ी होगी आज के अखबार में खबर है। तो ये स्थिति है। इन्होंने उसको कमीशन को क्या बना रखा था, परचून की दुकान की तरह, जैसे परचून की दुकान में होता ना, इतने पैसे दो ये नौकरी मिलेगी, वो बना रखी थी इतने पैसे दो ये नौकरी मिलेगी। ये ऐसा माहौल यहाँ कर रखा था। कहते हैं हमने पारदर्शी सरकार है, पारदर्शिता तो इनकी घोटालों में है। तो भाई सरकार से निजात दिलवानी है तो मेरा आप सबसे निवेदन है, 36 बिरादरी एक होकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप वहां रोहतक पहुंचे।